Hi friends, my dear students. Okay, चलिए कोई बात नहीं. जो बोलिए कौन सा क्लास है? 16 या 17? 16 क्लास है, ठीक है ना? बहुत सारा वीडियो शो किया है, याद नहीं रहता कौन सा क्लास है. कंटिन्यू, ठीक है. तो आज के इस लेक्चर्स में हम देखेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या प्रॉब्लम किया था, टी सेक्शन है ना? यस, टी सेक्शन किया था. तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आई सेक्शन, आज हम आई सेक्शन का प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है. तो ये देखिए हमारे सामने फिगर दिया हुआ है आई सेक्शन का. अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन शोन इन फिगर अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स परपेंडिकुलर टू द वेव. परपेंडिकुलर टू द वेव, ठीक है. वेव और फ्लेंज तो पता ही है ना सबको, है ना? ये हमारा फ्लेंज है, वो टॉप पार्ट ऑफ फ्लेंजेस, और ये पोर्शन को वेव कहते हैं, ठीक है. वेव के ऐसे लाइन जाएगा कि ये वेव के पैरेलल होगा, और वेव के ऐसे लाइन जाएगा कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी. तो ये निकालना, तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखिए डिटेल्स. पहले हम नेमिंग कर लेते हैं इसका, कुछ जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा. पहला सेक्शन वाला बॉडी है, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, एक बॉडी हो गया. यहाँ से उसको डिवाइड कर देते हैं, कट करके ऊपर खत्म, यहाँ से भी डिवाइड कर देते हैं, वो खत्म. तो तीन पोर्शन मेरा बन गया, ठीक है. ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी ए हो गया, आई जे के ए, कुछ भी नाम दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, जो चाहिए वो दीजिए, नेमिंग हो गया. अब देखिए हर बॉडी का सेंटर कहाँ आएगा, इस बॉडी का सेंटर यहाँ आता है, मान लीजिए सी वन हो गया, जी वन मान लेते हैं. इस बॉडी का सेंटर यहाँ आया जी टू, ये सेंटर का नाम है, ये जी थ्री, ठीक है जी. तो हमारा जो वाई एक्सिस है, ये देखिए सेंटर से क्रॉस करके जा रहा है, वाई वाई वाई, और एक्स तो हमको, तो यहां हमको क्या फाइंड आउट करना है, आई एक्स एक्स फाइंड आउट करना है, आई वाई वाई फाइंड आउट नहीं करना इस क्वेश्चन, आई जेड भी नहीं करना, सिर्फ आई एक्स एक्स करना. तो हमको सबसे पहले पूरे बॉडी का सेंटर कहाँ होगा, हम डिफरेंट बॉडी का सेंटर तो पता चल गया, फर्स्ट बॉडी का सेंटर यहाँ होगा, सेकंड बॉडी का सेंटर यहाँ होगा, थर्ड बॉडी का सेंटर यहाँ होगा, पूरे बॉडी का सेंटर कहाँ होगा वो हमको कैलकुलेट करना है, वो हमको कैलकुलेट करना है. तो पहले हम मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, अभी एक्स एक्स नहीं मान रहे, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमने आपको बता दिया. तो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम क्या करेंगे हम, जैसा कि पिछले ही इससे पहले ही हम बता चुके हैं करना क्या है. सबसे पहले ए निकालेंगे, ए वन, तो ए वन इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगल ए बी सी डी विच इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू टू, बोलिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लिखने की जरूरत है आप लिख लीजिए, इतना डिटेल्स डायरेक्ट निकाल लेते हैं. ए टू इज इक्वल टू सेकंड आ जाएगा, आप पूरा लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एच जी एच एन इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ए थ्री इज इक्वल टू, अच्छा सबको ए कैपिटल में लिख लेना चाहिए, स्मॉल में ही लिखना बेहतर है, ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल में, तो प्रॉब्लम नहीं है,
बस I J K L है ना, L into me 20 into 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबका एरिया निकल गया ना ये। और क्या निकालना है बोलिए, y1 इज इक्वल टू व्हाट बोलिए, y1 क्या होगा, ये x है, x एक्सिस से लेके इसके सेंटर तक, x एक्सिस से यहां से पूरा यहां तक ये y1 है, पूरा ऊपर तक उसके सेंटर तक, तो कैसे जाएंगे, तो पहले ये 2 फिर ये ऐड होगा 10 प्लस 2/2। अब बोलिए ये 2 प्लस 10 प्लस 2/2 क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे ऐड टू निकल ले रहे हैं क्या, चलो भाई 13 हो गया, टोटल 14 है, एक माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है कि पहला स्टेप कहां रेक्टेंगल का फर्स्ट कहां खत्म हो रहा था उसको ऐड, दूसरा रेक्टेंगल कहां खत्म हो रहा उसको ऐड, और तीसरा में भी फार्मूला है अप्लाई कीजिए उसका, हाफ लगाइए हो गया 13 सेंटीमीटर। वाई टू इज इक्वल टू 2 प्लस, अब देखिए हम क्या होगा 5 जाने लगे हैं, अब आपको भी समझ में आने लगा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं फास्ट प्लस a2y2 प्लस a3y3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, यहां हमने a क्या किया मिटा दिया था, फिर a लिख दिया, चलिए तो यहां लिखना ही पड़ेगा हमको भी, फिर क्या करें, इतना गर्मी है मिस्टेक तो होते ही रहता है। 20 इंटू 13 प्लस 20 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 1 बाई 20 प्लस 20 प्लस 40 विच इज इक्वल टू हाउ मच इज नथिंग बट वन बार, जल्दी से कैल्सियम निकालिए, और 20 इंटू 13 प्लस 20 इंटू 7 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 80 है ना 5.5, क्या है 5.5 सेंटीमीटर, तो पूरे बॉडी का जो सेंटर आया वो कहाँ आया 5.5 पे आया। तो 5.5 कहाँ पे पड़ा, यहाँ पे आएगा, ये 2 है प्लस 3, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये y बार हो गया, ये चित्र पर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब आगे क्या बच गया, हमको क्या निकालना है, h1 h2 h3 भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्या ख्याल है आपका, ये भी कर ही लीजिए, 5.5 माइनस 13, 5.5 माइनस 7 एंड 5.5 माइनस 1, 4.1, 4.5, ठीक है, 6, 7.5 आ गया, उसके बाद 1.5, ठीक है, ये माइनस में भी होगा, ये भी माइनस में होगा, स्क्वायर में जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा वो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक बॉडी का निकालिए, आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आई जी प्लस a1 का स्क्वायर, ig1 क्या है, ig1। अच्छा आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ig1 ig2 ig3 सब निकाल लीजिए, तो लास्ट में खाली सब्स्टिट्यूट करने का रखिए, b1 d1 bd2 by 12
b2 d2 q by 12 b3 d3 d2 by 12, समझे? सबका वैल्यू आ जाएगा। ये b कितना है, 10 × 2 का q by 12, ये b कितना है इसमें, 2 × 10 q by 12, और इसमें कितना है, 20 × 2 का q by 12, which is equal to IG1 का वैल्यू कितना आया, सबका देख लेते जल्दी जल्दी हम। 10 × 2 q by 12, ठीक है, 6.7 से बना है, 6.66 7 7 नहीं 6.66, ये कितना है, 166 से मारा है, वो जो प्रीवियस में आया था ना, कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि दोनों मिलता जुलता होगा। IG3 13.3 किया है IG3 13.3 किया है तो IXX IX1 निकालना है तो ये 6.66 प्लस A1 में आ चुका है 20 into H1 आ चुका है मेरा कितना है ये जल्दी जल्दी आइए into minus लिख दीजिए 7.5 का स्क्वायर माइनस लिखिएगा तो कोई खराब नहीं पड़ने वाला ठीक है एक ही बात क्या से उठाऊंगा मैं आप बात तो IG2 प्लस A2 का स्क्वायर IG2 का वैल्यू है 166.66 प्लस A2 का वैल्यू है 20 प्लस H2 का वैल्यू है -1.5 का स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम IXX3 का वैल्यू, IG3 प्लस A3 H3 का स्क्वायर। IG3 कितना मेरा आया, 13.33 आया, प्लस A3 कितना है, 40 × H3 4.5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू इतना। जल्दी से कैलसी उठा लीजिए और करते जाइए, 6.66 प्लस 20 × −7.5 काट कीजिएगा तो आएगा तो प्लस में ही, उसका स्क्वायर कीजिए, कुछ कीजिए, कितना आया, 11.31.66 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर पावर 4। नेक्स्ट आ जाइए हम जल्दी से आते हैं दूसरे कैलकुलेशन पे, तो दूसरा कैलकुलेशन क्या है, 166.66 plus 20 × −1.5 का स्क्वायर = 211.66 cm power 4। नेक्स्ट तीसरे कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, है ना, तीसरा क्या है, 13.33 वाले में क्या है, 833.33 cm power 4, ठीक है। फाइनली आंसर क्या आएगा, IXX कैपिटल इक्वल टू IXX 1 प्लस IXX 2 प्लस IXX 3 व्हिच इज इक्वल टू IXX का मान आया, 1 का वैल्यू आया है 113166 प्लस 2 का वैल्यू आया है 211.66 प्लस 3 का वैल्यू आया 823.33 which is equals to 216.65। ये हमारा फाइनली वैल्यू है IXX का, समझ में आ गया। IYY को कैलकुलेट करना भी नहीं है, अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने लिए करना चाहें तो कैसे होता, तो समझ में आया है ना, आप ये बताइए मेरे को, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत लग रहा आपको, बोलिए कहां पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है वो तो आप बताइएगा ही, कब बताइएगा, जब आप पढ़िएगा देखिएगा कि पता नहीं कहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक।
मिस्टेक हो गया है, प्लस माइनस का कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट देखिए असल है ना, अगर हो गया है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन, क्या करें आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, आप कर लीजिएगा इसको, खाली डायमेंशन चेंज करना आप कुछ भी नहीं करना है। ये आई है चलिए, छोटा तो नहीं बन गया ना, लगता बहुत छोटा बन गया, अब फिर आपको बाद में शिकायत कीजिएगा कि सर बहुत छोटा बन गया था, दिख नहीं रहा है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हम बहुत बड़ा बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरह से दिखे। तो एक क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप आई सेक्शन और डायमेंशन इन एमएम, सभी का सभी डायमेंशन एमएम में है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है आई जेड जेड, आई जेड जेड आपको कैलकुलेट करना है, जे कैलकुलेट करना है, जे भी लिखते हैं उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और आई जेड जेड इज नथिंग बट आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। तो आपको पहले आई एक्स एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आई वाई वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आई जेड जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एक बॉडी बन रहा, हमारा एक रेक्टेंगल शेप ये बन रहा है, जिसका जो है ये लेंथ 80 है और इसका जो हाइट है डेप्थ है वो 12 है, ये 12 है। ठीक है, दूसरा सेक्शन ये वाला बन रहा हमारा, वो टोटल डेप्थ इसका 128 है, 128, और ये इसका चौड़ाई जो है वो 12 है, ये 12 है। ठीक है, उसका तीसरा देख लेते हैं सेक्शन जो बन रहा है, ये 120 और ये 10 है इसका थिकनेस, इसका थिकनेस 10 है और इसका टोटल लंबाई 120 है। तो तीन सेक्शन है, जैसे इसमें किया था सेम वैसे ही करना है आपको करना है, और इसमें आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों ड्रॉ कराना है। ठीक है, आप सेंटर से ले लीजिए भाई, आप कर लीजिए। तो अच्छे से ये है कि क्या होगा, आप तो बना ही सकते हैं, आप बन जाएगा आपसे है ना। इसका का प्रॉब्लम कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि नहीं हो ऐसा भी नहीं है। चलिए कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन, बल्कि ये क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं बनाने के लिए, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देने वाला, बहुत हल्का क्वेश्चन देने वाला। आप अब तक दो शेप तो बना चुके हैं, कौन सा दो शेप बनाया, टी सेक्शन का बना लिया ना, आई सेक्शन बना लिया। ठीक है, अच्छा अब आप किसी भी जो है शेप का एल सेक्शन का भी बना सकते हैं, जो टी का बना लिया उसके लिए एल क्या है, तो आप एल सेक्शन का भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप सी सेक्शन का भी बना सकते हैं, सी सेक्शन है ना, ऐसे ही आप एच सेक्शन का भी बना सकते हैं। आपको इतना पढ़ना नहीं है डिटेल्स में, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि सिलेबस से ज्यादा पढ़े वो इस टाइप के प्रॉब्लम्स देखें, फायदे है खुद से जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं, खुद से मेन तो प्रोसीजर करना है ना सॉल्व करना। तो इसी में हम आज एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं,
एल शेप का, ठीक है, एल शेप का क्वेश्चन। ये देखिए ये एल शेप है, बड़ा सा दिख रहा है ना, अच्छे से दिखना चाहिए। ये पूरा इसका बी है और ये डी है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये b by 2 पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये d by 2 पोर्शन है, ठीक है, दो हो गया। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x एंड y y। अब से ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि आप एक तो ये करें, इस मेरे को इस पार्ट से निकालना है तो हम कैसे कर सकता हूं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे इधर से डिवाइड करें, एक इधर से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा इधर से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक सेक्शन को बना दूसरा, ये बना ऊपर वाला बना दूसरा, ये सेक्शन बना, दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा एक और मेथड हम बताते हैं आपको कि इसको एक्सटेंड कर दिए और पहले पूरे बड़े वाला का बना लिया बी एन डी का, बड़े वाले का बना दिया, उसमें से ये पोर्शन आप माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग ये पोर्शन को बच जाएगा, ये पोर्शन अगर माइनस कर दिए है ना, ये पोर्शन बच जाएगा। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से ट्राई करें। क्या कोटफ है, क्या आता है देखिए आप ट्राई करके। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी भेजिए, क्या करना है आगे के जो है प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे ये सब। और यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ना है, सिर्फ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, तो हम सिर्फ यहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, ठीक है। हाँ तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, क्या कह रहा है? अच्छा चलिए बोलना पड़ेगा किसके लिए, लाइफ के लिए, ठीक है।